भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। कुर्नी में चिराग पासवान का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। इसी बीच बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं, स्थापना दिवस कार्यक्रम को जब उस वक्त संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुर्नी को लेकर सवाल है तो हमारी दो दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बातचीत हुई है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उनसे बातचीत करेंगे तब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। एक बार सुनिए चिराग पासवान के उस बयान को। किया उस पर भी मैं जानकारी दे दूं, दो दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का फोन आया था और कुर्नी में प्रोग्राम को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे लगता है अभी आजकल में प्रदेश अध्यक्ष जी से, राजू तिवारी जी से उनकी बात होगी और कार्यक्रम जैसे बनेगा वो जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। तो आपने सुना चिराग पासवान के उस बयान को जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करेंगे तब कुर्नी को लेकर जो है वो तय की जाएगी। लेकिन जब सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ, सीटों के समीकरण को लेकर हुआ, बंटवारे को लेकर हुआ, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 35 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बाकी बचे 5 सीट, तो 5 से 6 सीटों पर भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो की जाएगी सहयोगियों के साथ। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हुआ है, इसीलिए क्योंकि सीटों का समीकरण और तमाम जो बातें हैं वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे ही स्पष्ट हो जाएगी गठबंधन का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल कुर्नी को लेकर है कि चिराग पासवान कुर्नी में चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रेशर है कि चिराग पासवान को कुर्नी में चुनाव प्रचार करना ही होगा, तभी एनडीए में उनको एंट्री मिलेगी। तो इसको लेकर भी चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि जल्द ही इस बात की सूचना आपको दे दी जाएंगी। चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से हमारी बातचीत हुई है और इस पूरे कुर्नी को लेकर जो है हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक कमरे में बैठकर जो है बातचीत करेंगे तब चीजें जो है स्पष्ट होंगी, तब आपको बताया जाएगा। लेकिन संशय बरकरार है कि चिराग कुर्नी में प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे। इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। संजय जायसवाल के बयान के बाद लगातार चिराग पासवान के पार्टी में जबरदस्त नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं, आज स्थापना दिवस है और इस मौके पर जब मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे उस दरमियान उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर हो या फिर कुर्नी में प्रचार करने को लेकर हो। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है। चिराग पिछली बार साफ तौर पर कहे थे कि वो बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिए हैं, चुनाव प्रचार किए उनके लिए, लेकिन इस बार कुर्नी उपचुनाव में चिराग पासवान अपने पत्ते जो है वो नहीं खोल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी से पूरी तरह से अब नाराज हो गए चिराग पासवान। एनडीए में वापसी से पहले ही चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते जो है वो बिगड़ने लगे हैं।